दिल्ली में चल रहे किसानों के आंदोलन के असर अब मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले की सिवनी मालवा में भी दिखने लगा है, जिसके बाद अब किसानों के महाआंदोलन को देशव्यापी रूप देने की तैयारी शुरू हो गई है। मंगलवार को देश भर में केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन होंगे। किसान संगठनों ने 8 दिसंबर मंगलवार को भारत बंद बुलाया है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों के किसान संगठनों की बैठक में भारत बंद को पर सहमति बनी। एकमत से यह तय हुआ कि उनके प्रतिनिधि सरकार से नए कानूनों को रद्द करने के लिए कहेंगे, इससे कम पर बात नहीं बनेगी। देश भर के किसान संगठनों ने ऑल इंडिया किसान संघर्ष कोऑर्डिनेशन कमेटी ने भी भारत बंद को अपना समर्थन दिया है। इस संस्था के तहत देश भर के 400 से ज्यादा किसान संगठन आते हैं। यानी सरकार को ये साफ इशारा कर दिया गया है कि किसान आंदोलन राष्ट्रव्यापी होने जा रहा है और आने वाले दिनों में ये और बढ़ेगा ही। तृणमूल कांग्रेस, राष्ट्रीय लोकदल जैसी पार्टियों ने खुलकर आंदोलन का समर्थन किया है तो बाकी विपक्षी दल भी सरकार को घेरे हुए हैं। कुछ राजनीतिक दल भारत बंद को भी अपना समर्थन दे सकते हैं। वहीं होशंगाबाद जिले के सिवनी मालवा के ग्रामीण क्षेत्र में भी अब किसान संगठन सक्रिय हो गए हैं, जिसके अंतर्गत रविवार को क्रांतिकारी किसान मजदूर संगठन के पदाधिकारियों ने एक बैठक का आयोजन भिलटदेव में किया, जिसमें 8 दिसंबर को भारत बंद करने को लेकर चर्चा की गई। उन्होंने बताया कि दिल्ली से जो भी निर्देश मिलेंगे हम उसका पालन करेंगे, वहीं भारत बंद को हमारा पूरा समर्थन है। वहीं सिवनी मालवा नगर में कांग्रेस भी अब मैदान में आ गई है, जिसके अंतर्गत ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की बैठक पूर्व विधायक कुम प्रकाश रघुवंशी के निवास पर आयोजित की गई, जिसमें निर्णय लिया गया कि सभी कांग्रेसी व्यापारियों से बाजार बंद करने का निवेदन करेंगे। आज किस विषय को लेकर बैठक का आयोजन किया गया है? आज हमारी एक आवश्यक बैठक रखी गई है, जो कि दिल्ली में विगत 10-12 दिनों से किसान आंदोलन चल रहे हैं। जो तीनों कृषि कानून लेकर आए हैं माननीय मोदी जी, केंद्र सरकार, वो सरासर किसानों विरोधी हैं। हम उनका घोर विरोध करते हैं, हम उनकी निंदा करते हैं। जो कानून लेके आए हैं उसमें कानूनों को वापस लिया जाए और जो MSP समर्थन मूल्य है उस समर्थन मूल्य को गारंटी का कानून में लिया जाए, गारंटी का कानून बना जाए, ताकि कोई भी किसान कहीं भी जाके बेच सके। जैसे मोदी जी ने अभी बोला कि बन नेशन बन मार्केट, लेकिन बन नेशन बन मार्केट क्या? अभी आपने सुना होगा माननीय हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने बोला कि कोई मध्य प्रदेश की धरती पे दूसरा आके नहीं बेच सकता। तो एक तरफ तो मोदी सरकार कह रही है कि कोई भी कहीं भी बेच सकता, और दूसरी तरफ अभी आपने खट्टर सरकार का भी देखा होगा कि राजस्थान के किसान हरियाणा में आके नहीं बेच सकते। तो ये दोहरा कानून कैसे? तो ये कानून कोई कानून नहीं है। जो कानून पहले से चला आ रहा था, APMC एक्ट होना चाहिए, वो होना चाहिए। स्टॉक भी सीमित होना चाहिए ताकि कालाबाजारी नहीं हो, उद्योगपति कारपोरेट घराने को बढ़ावा ना मिले, और किसान अपनी किसानी जैसा करता चला आ रहा था परंपरागत वैसे ही करता रहे। इसके लिए हम आज आवश्यक बैठक रखी है। 8 दिसंबर को जो भारत बंद का आह्वान किया है किसान संगठनों ने, उसके समर्थन में हमने आज बैठक रखी, और हम समस्त पदाधिकारियों ने मिलकर निर्णय लिया है कि जो भी दिल्ली से आदेश होगा उसका हम पालन करेंगे और 8 तारीख को भारत बंद में पूर्ण सहयोग करेंगे। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी एवं मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ जी व हमारे सिवनी मालवा क्षेत्र के पूर्व विधायक ओम प्रकाश रघुवंशी जी के निर्देश प्राप्त हुआ था कि ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की ओर से एवं सभी कांग्रेस संगठन की आज एक बैठक बुलाई जाए और उसमें ये तय किया जाए कि देश का अन्नदाता किसान, जिसके विरोध में कृषि विधेयक पारित किया गया है बिना संसद की मंजूरी के और पारित कर दिया गया भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा, उसके विरोध में भारत बंद का आह्वान किया गया है 8 तारीख को। तो हम सभी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के संगठन सभी व्यापारी भाइयों से भी ये निवेदन करते हैं कि वो किसानों के लिए अपने प्रतिष्ठान बंद रखें, और हम भी उनसे निवेदन करेंगे जाके अभी कि अपने प्रतिष्ठान बंद कर किसान जो इस देश का अन्नदाता है और इस देश की रीढ़ है, भारत एक कृषि प्रधान देश है, उसमें उसके साथ सहयोग कर किसानों के साथ सहयोग करें, तभी हम व्यापार में भी सफल होंगे। किसानों से ही व्यापार चलता है, अतः इसलिए हमने आज ये मीटिंग बुलाई है और भारत बंद का आह्वान का हम पूर्ण समर्थन करते हैं। 8 तारीख को यहाँ भारत बंद के कारण यहाँ भी सिवनी मालवा बंद करने का हम लोगों ने निर्णय लिया है।